वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह नूं फड़न दे लई पंजाब पुलिस दी दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। सो पंजाब पुलिस दे वल्लों वड्डे पद्धर ते इत्थे मुहिम चलाई गई है, मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है पंजाब सरकार दे वल्लों। सो पंजाब पुलिस वल्लों ये भी चलाया गया है। सो हालांकि पुलिस ने अमृतपाल सिंह दे 78 साथियों नूं गिरफ्तार करन दे इत्थे दावा कीता है। सो फड़े गए ने इत्थे 78 साथी खालिस्तानी समर्थक। पंजाब पुलिस दा एक बयान भी सामने आया जिस दे विच इह कहा गया है। सो पुलिस का दावा है कि इन्हों को 8 राइफलों समेत 9 हथियार फड़े गए हैं और ऑपरेशन दौरान एक रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। सो इस मामले के हुण जलंधर और शाहकोट के इलाके में पुलिस जिहड़ी कार्रवाई शुरू की गई थी। सो पंजाब दे विच सोमवार दोपहर 12 बजे तक नैट सेवावां मुअत्तल कर दी गई ने। सो कुछ मीडिया रिपोर्ट हुण यह भी कहंदियां ने कि पंजाब पुलिस की टीम हुण असाम के डिब्रूगढ़ लैके पहुंची है इन्हां खालिस्तानी समर्थकों। सो कई स्थानक टीवी चैनल्स वालों चलाई जा रही वीडियोज़ विच पंजाब पुलिस की टीम डिब्रूगढ़ पुलिस थाने विचों बाहर आते दिखाई दी है। सो इन्हों जो पत्रकार पूछते हैं कि वह कि लोगों लैके आए हैं तो उन्होंने दसिया कि अमृतपाल के 4 साथियों इतने लिया गया। सो पुलिसकर्मी अगे ये भी कहते दिखाई देते हैं कि शायद इन्हों हूँ इतने ही रखा जाएगा। सो इतने सुन लें आओ ইতিমধ্যে পঞ্জাব পুলিশের একটা বিশেষ দলে আৰু ইয়াত আহি এই খালিস্তানী বিশেষ ছাত্ৰ শুকাই দিয়া হ'ব স্যাৰ ইতিমধ্যে পঞ্জাব পুলিশের একটা বিশেষ দলে আৰু ইয়াত আহি এই খালিস্তানী বিশেষ ছাত্ৰ শুকাই দিয়া হ'ব স্যাৰ ইতিমধ্যে পঞ্জাব পুলিশের একটা বিশেষ দলে আর ইয়াত আহি এই খালিস্তানীর বিশেষ ছাত্র শুকাই দিয়া হব স্যার। पर पुलिस ने इना दे नाम जनतक नहीं कीते ने, इना नु पुलिस चार्टर प्लेन राही इत्थे लेके आई है। सो पंजाब पुलिस दा अमृतपाल सिंह दे साथी नु गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ लेके जाना इस गल दा इशारा लग रहा है कि इस ऑपरेशन विच केंद्रीय एजेंसियां दा सहयोग है। जी हां, अमृतपाल सिंह नु लेके एक अहम खबर ते एक वड्डी खबर सामने आई है जिथे कि पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह दे 4 साथियों नु लेके इत्थे असाम दे डिब्रूगढ़ लेके पहुंची है। दस दें तुहानू कि वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे कारकुना खिलाफ कार्रवाई करदे आ जथेबंदी दे 78 कारकुना नू गिरफ्तार कर लिता गया, पर जथेबंदी दा मुखी अमृतपाल सिंह अजे भी फरार है। सो इन्हां दे विचों जिहड़ा है 4 साथियों नू असाम लिजाया गया है, जो कि तुसी वेख सकदे हो। इत्थे पंजाब पुलिस दे वल्लों अमृतपाल सिंह उत्ते एक्शन मगरों जिहड़ा है भलके 12 बजे तक नैट सेवावां ठप कर दित्ती गईआं ने। माहौल नूं वेखदे होए पंजाब सरकार ने होर 24 घंटिया लई नैट सेवावां बंद कर दित्तियां ने। सो पुलिस प्रशासन वालों लोगों नूं अपील की जा रही है कि अफवाहां उत्ते विश्वास ना करो। सो पुलिस वालों ते छापेमारी लगातार की जा रही है। सो पंजाब पुलिस वालों वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह की भाल में मेगा सर्च ऑपरेशन अजे तक जारी है। सो पंजाब पुलिस वालों उसनों भगौड़ा ऐलान दिता गया है। पुलिस वालों पंजाब भर के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पंजाब के कई जिलों में धारा 143 लागू की गई है। सो पंजाब पुलिस ने एक्शन में आते सार ही पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगाई है। सो पुलिस वालों पंजाब के कई थावां उत्ते भारी फोर्स बल भी तैनात किया गया। सो पंजाब पुलिस वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार करन विच लगी हुई है। पुलिस वालों इस संबंधी सूबे भर में छापेमारी की जा रही है। इस दे नाल ही अमन कानून बनाई रखण दे लई जलंधर शहर दे विच अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए ने। जलंधर विच अर्ध सैनिक बल दोवें ही जिहड़ा फ्लैग मार्च इन्हां वालों किया जा रहा है। जानकारी मुताबक स्थिति नूं वेखदे हुए होर फोर्स बुलाई जा सकती है। जी हाँ, स्थिति नूं वेखदे हुए इत्थे पंजाब सरकार होर फोर्स केंद्र तो बुलवा सकती है। सो पंजाब दे विच जिहड़ा है पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह दे 4 साथियों के नाल असाम के डिब्रूगढ़ पहुंची है। पंजाब पुलिस इस मामले में हर चीज़ से
ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਡਿਬਰੂਗੜ, ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 78 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 78 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਅਰਧਬਲ ਸੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।